दिस इज प्रेरणा दुबे एंड वेलकम टू माय चैनल स्टिचिंग प्रोफेसर। तो थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि आपके प्रोफेसर इस बार फिर कुछ नया लेकर आई हैं। क्या है ये जानने के लिए जाना होगा हमें हमारी क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। आज मैं आपको राजपूताना ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही सिखाऊंगी, साथ में दुपट्टे में किरण कैसे लगाते हैं वो भी बताऊंगी। तो ये देखिए, ये है मेरा राजपूताना लहंगा। इसका बॉटम पार्ट हमें रेडी ही मिलता है। आप देख रहे हैं इसके ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी है वो कितनी सुंदर लग रही है। पूरे पे पिकॉक बने हुए हैं। क्योंकि कपड़ा थोड़ा सा पतला है इसलिए मैं इसके साथ जो अस्तर का कपड़ा यूज कर रही हूँ वो है टाप्टा सिल्क। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मुझे थोड़ा शाइनी कपड़ा चाहिए था इसलिए मैंने टाप्टा सिल्क लिया है। अब इसका दुपट्टा दिखाती हूँ। इसकी खासियत ये होती है कि जितना ये लंबा होता है उतना ही चौड़ा होता है। इसमें गोटा पट्टी तो लगी होती है लेकिन किरण लगाना जरूरी होता है क्योंकि राजपूताना ड्रेस का सारा लुक उसके दुपट्टे पे डिपेंड करता है और उस दुपट्टे में किरण का लगा होना बहुत जरूरी है। ये हमें मैचिंग करके लेना होता है हमारे लहंगे की जरी से। कुछ ड्रेसेस पे लगे हुए ही आते हैं, कुछ पे हमें लगाना पड़ता है। अब सबसे पहले हम लेंगे इसकी लेंथ। तो आपको ये चीज बहुत ध्यान से देखना है। आप देख रहे हैं इसका ये बॉटम पार्ट रेडी है। जब हम इसकी लेंथ लेंगे तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि ऊपर से नीचे नहीं लेना है। यदि आप ऊपर से नीचे लेंथ लेते हैं तो पूरा डिजाइन का जो पार्ट बना हुआ है वो कट हो जाएगा। इसलिए हमें नीचे से ऊपर की तरफ लेना है और ये जो प्लेन पार्ट है इसे कट कर देना है। कट करने के बाद में हमें इस कपड़े को संभाल के रखना है क्योंकि ये इस तरीके से स्टिच आता है तो हमारे पास कपड़ा होता है लिमिटेड। अब देखिए, अब हम इसमें देंगे प्लेट्स। बंद कली का हमें इसे बनाना है, इसे कट नहीं करना है क्योंकि एम्ब्रॉयडरी कट जाएगी तो फिर वो कहीं से भी खुल सकती है। तो हमें क्या करना है कि ऊपर की साइड 4 इंच चौड़ा रखना है और नीचे लाने तक इसे पतला कर देना है इस तरीके से। बंद कली के कुर्ते का एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो देखिए, आप देख रहे हैं मैंने ऊपर की साइड इसे चौड़ा रखा है और नीचे लाने तक पतला रखा है। फिर इसकी मैं कमर मेजर कर लूंगी। अब हमें इसमें लगाना है अस्तर। आप चाहें तो सिंपल अस्तर भी लगा सकते हैं लेकिन मैं इसमें लगाऊंगी ए शेप अस्तर क्योंकि मुझे आपको बताना है ए शेप अस्तर की कटिंग कैसी होती है। वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल स्टिचिंग प्रोफेसर को, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको मिलती रहे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन। तो देखिए, अभी मैं आपको सिलाई करके समझाऊंगी कि दुपट्टे पे किरण कैसे लगाना है। अब सबसे पहले अस्तर के कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे, फिर इसे 4 फोल्ड करेंगे और रफ पार्ट को कट करके अलग कर देंगे। अच्छे से बिछाते हुए हमें लगाना है इस पे लंबाई का निशान। जो भी हमारी लंबाई है उसमें 2 इंच का मार्जिन लेते हुए इसे कट कर देना है। अब हमें वेस्ट का निशान लगाना है। तो जो भी हमारी वेस्ट होती है उससे हमें 4 से डिवाइड करना होता है और जो नाप आता है उसमें 1 इंच का मार्जिन लेते हुए इसे कट कर लेंगे। तो ऊपर मैंने लिया है 9.5 इंच और नीचे हमने कपड़े की पूरी चौड़ाई ली है क्योंकि हमें इसे लगाना है लहंगे में, इसलिए हमें इसका घेर ज्यादा लेना होगा। अब देखिए, इस तरीके से निशान लगा के इसे मैं कट कर लूंगी। अब इस कटे हुए पार्ट को मैं साइड में लगा के इसका घेर और भी बढ़ा लूंगी, यानी कि मैं इसमें लगा रही हूँ कली। मेरे किसी भी वीडियो को देखते समय उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना नहीं भूलना है क्योंकि प्रोफेसर देती है वहाँ पे बहुत से काम के लिंक। अब देखिए, हमें क्या करना है कि सबसे पहले दोनों कली को आपस में जोड़ना है, फिर आगे पीछे अस्तर के पार्ट को जोड़ना है और उसमें लहंगे के पार्ट को जोड़ना है। तो देखिए, इस तरीके से मैंने इसे रेडी किया है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसकी कली कैसे जोड़ी है। यदि आप किसी विषय पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, मैं आपके विषय पर भी जल्दी से जल्दी वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगी। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने कली को जोड़ लिया है। आगे के पार्ट में 2 कली और पीछे के पार्ट में 2 कली आई है। इसे जोड़ के फिर अस्तर के दोनों पार्ट को पहले अटैच करूंगी इस तरीके से। अभी मैं आपको क्लियर करके समझाती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से जोड़ के मैं उसे एक कर लूंगी, फिर हमें लहंगे के कपड़े में इसे वेस्ट के पार्ट को अटैच करना है। यदि आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब सबसे पहले हम लगाएंगे इस पे बेल्ट। तो देखिए, इसकी मैंने विड्थ ली है 4 इंचेस और लेंथ ली है 38 इंचेस। आपको अपने नाप के अकॉर्डिंग लेना है। ये वही कपड़ा है जो हमने लेंथ कम करते समय कट किया था। अब देखिए, इसे लगाना कैसे है। इस कपड़े को हम रखेंगे लहंगे की उल्टी साइड और इसे स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद हम इसे पलटेंगे सीधी साइड। आप सभी से रिक्वेस्ट है, बैकग्राउंड साउंड को अवॉइड कीजिएगा। आपको डिस्टरबेंस ना हो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ रात के 1:30 बजे, लेकिन ये मुंबई है, कभी रुकती ही नहीं है। तो प्लीज इस चीज को अवॉइड कीजिएगा और मेरा सपोर्ट कीजिए। जब हम इसे स्टिच कर लेंगे तो इसे हल्का सा फोल्ड करते हुए सीधी साइड पलटेंगे और इस पे स्टिचिंग लगा लेंगे।
इस तरीके से आप देख रहे हैं। बहुत आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ। ऐसे सिलने से आपके लहंगे में बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है और ज्वाइंट नहीं दिखता है। किसी भी वेस्ट स्टिच को डिस्ट्रॉय करने से पहले स्टिचिंग प्रोफेसर की प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए, क्योंकि प्रोफेसर किसी भी चीज को वेस्ट नहीं जाने देती है। तो देखिए, अब हम दुपट्टे पे लगाएंगे किरण। तो किरण हमें नीचे रखना है और दुपट्टे की जो गोटा पट्टी है उसे ऊपर रखते हुए और सिंपल स्टिच कर लेना है। यदि आप भी देना चाहते हैं अपनी पुरानी साड़ियों को नया लुक, तो उसके लिए आपको देखना होगा स्टिचिंग प्रोफेसर की प्लेलिस्ट, जहां पर प्रोफेसर ने आप सभी के साथ बहुत अच्छे अच्छे सरल और लो बजट में वीडियो शेयर किए हैं। तो देखिए, हमारी ये किरण लग गई। अब हमें क्या करना है कि ये जो लहंगा हमने रेडी किया है इसका एक पार्ट हमारा ओपन है, तो उसे हमें स्टिच कर लेना है। तो लहंगे के कपड़े को और अस्तर के कपड़े को पकड़ के स्टिच कर लेना है। तो देखिए, मैं इसे स्टिच करके ले आई हूँ। आप देख रहे हैं इसका घेर कितना सुंदर लग रहा है। और ये है हमारा दुपट्टा। किरण लगाने के बाद दुपट्टे का लुक आप देख रहे हैं कितना ज्यादा बढ़ गया है। इसमें क्या करते हैं कि हमें एक साइड तो पूरी लेस लगानी होती है और एक साइड 15 इंच के करीब हमें छोड़ देना रहता है, क्योंकि ये हम कमर में खोंचते हैं। अब ये रहा इसका ब्लाउज। तो इसकी कटिंग और स्टिचिंग का बहुत ही जल्दी वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करूंगी। आप देख रहे हैं कि मैंने गले पे इसके वही कपड़ा लगाया है जो लहंगे के बॉटम पार्ट में लगा है। पीछे दी है मैंने ऊपर नीचे दो डोरी और बीच में ओपन रखा है, क्योंकि इसके ऊपर आएगी एक लंबी चोली। तो इसकी जो चोली के दामन है, गला है और आर्म होल है, उस पे भी मैंने लहंगे वाले कपड़े की ही डिजाइन दी है, जिससे हमारा ये लहंगा एक जैसा लगे। वीडियो कैसा लगा फटाफट से कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैं वेट करती हूँ आपके कमेंट। तो अभी आपने देखा कि मैंने आपको राजपूताना ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग सारा कुछ समझाया है डिटेल में। आती हूँ मैं रेडी होके, तो आपको बताना है कि आपको मेरी ड्रेस कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बनना है स्टिचिंग में प्रोफेसर तो सब्सक्राइब कीजिए स्टिचिंग प्रोफेसर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई क्लास के साथ।